बेंगलुरु में वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गौरी लंकेश को उनके घर के बाहर गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। गौरी लंकेश को बेबाक पत्रकार माना जाता था। वो वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थी और हिंदुत्ववादी राजनीति की आलोचक भी थी। गौरी लंकेश कई समाचार पत्र पत्रिकाओं में कॉलम भी लिखती थी। उनकी हत्या क्यों की गई इसका पता नहीं चल पाया है। हालांकि इस हत्या के बाद कर्नाटक सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल जरूर खड़े हैं। बेंगलुरु में वरिष्ठ पत्रकार का मर्डर, जिसने कई सेंसिटिव इश्यूज के बारे में बात किया था, उसे आज एक बहुत ब्रूटल तरीके से चार गोलियों को मार के उसे मार दिया गया है। पत्रकार के सीने पर तीन गोली दाग कर हमलावर फरार। बेंगलुरु में पत्रकार की हत्या करने वाले कौन? बेंगलुरु का राजेश्वर नगर बीती रात गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। रात करीब 8:20 पर वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश उनके घर के बाहर हत्या कर दी गई। गौरी लंकेश ने अपने घर के बाहर कार पार्क की थी और जैसे ही वो अपने घर की तरफ बढ़ी, स्कूटर से आए बदमाशों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दी। गौरी की मौके पर ही मौत हो गई। By 8 p.m. she came to her residence. She stopped the car and she went to open the gate. Three people not yet decided. It is not two or three people by scooter or cycle motor. It will be then after inquiry we can know. गौरी लंकेश कन्नड़ टेबलॉइड लंकेश पत्रिका की संपादक भी थी। फायरिंग के दौरान उनके सिर, गर्दन और सीने पर तीन गोलियां लगी, जबकि दीवार पर भी गोलियों के निशान मिले हैं। गौरी लंकेश जो अपने गाड़ी में आई थी, ये जो व्हाइट कलर का कार है इसमें आई थी, उसने अपना गाड़ी को गेट के बाहर पार्क किया, गेट को ओपन किया, अंदर लाइट डालने के लिए गई थी, तब ये अटैक हुआ है। पुलिस अब हत्या की तफ्तीश में जुटी हुई है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। गौरी लंकेश के पड़ोसियों का दावा है कि उन्हें पहले भी जान से मारने की धमकियां मिल चुकी थी। Gauri Lankesh, before entering the house itself, she collapsed on the veranda. It's not complained of anything. Anyway, that will be also verified. If there any suspicion or if she has anywhere expressed that she has some threats or anything, that will be thoroughly explored and investigated. वारदात के बाद नाराज लोगों ने गौरी लंकेश के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। Close friend of all those people who value secularism. Not just me alone. Not just me alone. They killed her. Those people who don't respect secular values of this country, they killed her. And she was the only voice in Karnataka that stood very consistently for secularism against communal forces. So it's very, very obvious that the communal forces are behind this very, very gruesome and dastardly murder. We condemn it in very, very strong terms. कर्नाटक में एक पत्रकार की बेरहमी से हत्या हुई तो इस पर राजनीति शुरू हो गई। कर्नाटक के गृहमंत्री ने भी गौरी की हत्या पर राजनीतिक बयानबाजी की। गृहमंत्री ने कहा कि जांच के बाद पता चलेगा कि इस हत्या के पीछे नक्सल हैं या किसी खास विचारधारा के लोग। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हत्या पर ट्वीट किया, सच को कभी खामोश नहीं किया जा सकेगा। लंकेश हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। उनके परिवार के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। गुनाहगारों को सजा मिलनी चाहिए। It may happens to anybody. There is no security for any writer. She is not a terrorist. Not only she is not an Axelite. She is a writer. She is a journalist.
How can it happen to a journalist? This is a cowardly act. This is so totally it's a cowardly act. गौरी लंकेश की हत्या से कर्नाटक सरकार कटघरे में आ गई है। जिस सरकार पर राज्य की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, उसी सरकार के सीएम ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने ट्वीट कर कहा, गौरी लंकेश की हत्या से हैरान हूँ। इस जघन्य अपराध की निंदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या है। गौरी लंकेश की मौत से कर्नाटक ने एक विकासशील आवाज खोई है। मैंने एक दोस्त खोया है। गौरी लंकेश को निर्भीक और बेबाक पत्रकार माना जाता था। वो वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थीं और हिंदुत्ववादी राजनीति की आलोचक थीं। गौरी लंकेश कई समाचार पत्र पत्रिकाओं में कॉलम लिखती थीं। वैचारिक मतभेद को लेकर गौरी लंकेश कुछ लोगों के निशाने पर भी थीं। गौरी लंकेश जो एक बहुत स्ट्रांग जर्नलिस्ट थी, एक्टिविस्ट थी और जिसने कई सेंसिटिव इश्यूज के बारे में बात किया था, उसे आज एक बहुत ब्रूटल तरीके से चार गोलियों को मार के उसे मार दिया गया है बेंगलुरु के उसके आरआर नगर रेसिडेंस के बिल्कुल बाहर। गौरी लंकेश कर्नाटक यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर भी रही। पिछले साल नवम्बर में गौरी लंकेश को मानहानि के मामले में कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई थी। हालांकि उस वक्त गौरी को बेल मिल गई थी। धारवाड़ से बीजेपी सांसद प्रहलाद जोशी और पार्टी के लीडर उमेश दुशी ने गौरी के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। यह केस 2008 में गौरी के पेपर में छपे एक आर्टिकल को लेकर दायर किया गया था। वो बहुत ही हिम्मत वाली महिला थी, पत्रकार थी और धर्म निरपेक्षता, सामाजिक न्याय, गरीबों के लिए वो निरंतर लड़ती थी, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ती थी और इन्हीं विचारों के लिए आज उनको मार दिया गया है। तो लोगों के जो है दिलों में इतनी गुंजाइश नहीं कि वो सच को सुन सके। कहीं ना कहीं जो है सच बोलने वाले को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। बहुत ही दुख की खबर है। इससे ज्यादा शर्मनाक और कोई वाकया नहीं हो सकता। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने जांच के आदेश दे दिए हैं और आरोपियों की तलाश में पुलिस की 3 स्पेशल टीमों को लगाया गया है। निश्चिता वीरेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, बेंगलुरु।